रहे हो स्प्लिट्स विला का फाइनल देख के? नहीं, इतना तो सबको पता था कि आकृति और जशवंत ही जीतने वाले हैं। जोक्स असाइड गाइस, वो दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। मेरे को लगता है शायद उन लोगों ने मुश्किल से 2 टास्क ही हारे होंगे और परफॉर्म लगभग सबने किया है। और खैर, इस बार तो लड़कियां बहुत सारी अच्छी परफॉर्मर्स थी, जैसे कि रुशाली ही, उसने आज तक एक भी टास्क नहीं हारा। लेकिन लड़कों में जशवंत सुप्रीम था भाई। पता नहीं क्या नेक्स्ट लेवल फिटनेस मेंटेन करी है बंदे ने, हर एक टास्क जीत रहा था वो। ही हिमसेल्फ वाज अ ब्यूटी एंड द बीस्ट इन द कनेक्शन। लेकिन कशिश ने जो दिग्विजय के साथ किया है भाई साहब, ये दोनों मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट थे और उन दोनों में से एक ने एक दूसरे को धोखा दे दिया। मेरे को सच में बहुत बुरा लगा, लेकिन ऐसा भी था कि मैंने एक्सपेक्ट ही किया था कि कशिश ही पैसे लेगी। और पता नहीं क्यों सबने यही एक्सपेक्ट किया था कि कशिश पैसे ही लेगी। हर्ष को तुमको याद है कैसे वो वहां से डेट पे से आते ही बोलता है कि कशिश पैसे ले लेगी? रुशाली उसको बोलती भी है कि व्हाई यू सेइंग लाइक दिस, तो बोलता है कल देख लेना तू, और वो सच में वही करती। और एक चीज भाई मानना पड़ेगा, लोग कुछ भी बोले कि मास्टरमाइंड आकृति है या दिग्विजय है या फलाना है ढिमका, भाई हर्ष का ये पहला प्रेजेंस था टीवी पे और वो पहली बार में ही उसने जो बुद्धि यूज करी है ना, फैमिली भाई बहन भाभी बना बना के, भाई साहब उस मेरे को लगता है रियल मास्टरमाइंड वो था। उसने बस बहुत ज्यादा बोल दिया है इसीलिए लोग उसको अंडरडॉग समझ रहे हैं या फिर मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उसने बोला तो बोला है, बट वो परफॉर्म भी बहुत अच्छा से किया है। और एंड तक भाई सेफ रहना, 3 बार डोम पे जाना, भाई असली मास्टरमाइंड वो था मेरे लिए। दिग्विजय, आकृति और इस बार तो बहुत सारे और भी कंटेस्टेंट्स थे जो कि रोडीज में रह चुके थे, तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई उनको एक्सपीरियंस था या कॉन्टेक्ट्स हैं तो शो बायस्ड हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन हर्ष ने क्या खेला है भाई, off camera on Splits Villa. Yeah, they do. They do. You are like, you know, in Splits Villa for like a month without your phone. एक सेकंड, ये वो रीजन है जिस वजह से लोग हुकअप कर लेंगे ऑफ द कैमरा? फोन नहीं है तुम्हारे? ऐसे तो मैं अब तक वर्जिन नहीं रहती गाइस। फोन नहीं है तुम्हारे पास? ऐसे बहुत सारे लोग वर्जिन नहीं होते भाई। फोन नहीं है तुम्हारे पास तो तुम क्या करोगे? जॉब है जो वेरी रॉन्ग गाइस। अमेहा मेरे को बहुत क्यूट लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ये कैसे इंटरव्यूज दे रही है वो? एक तो ये भी थी भाई परफॉर्मर, बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी विदाउट लाइक यू नो एनी कम्युनिकेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, लाइक यू नो व्हाट एवर यू डू यू विल हैव टू कम्युनिकेट विद दीज पीपल। हाँ तो कम्युनिकेट करो, बातचीत, ये कैसा कम्युनिकेशन है? बहनचोद लौट ही जाओगे तुम एक दूसरे के ऊपर। एंड देन हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? ऐसा लग रहा है जैसे भूख लग जाती है, इवेंचुअली प्यास लग जाती है, हो जाता है, हैं? प्यार कशिश हॉट लगती है लड़कों का, इसीलिए कटता है गाइस। एक कनेक्शन फ्रॉम एग्जाइल, आई थिंक आई वुड चूज दिग्विजय, आई थिंक वी हैव सर्टेन सिमिलर क्वालिटीज। बहुत 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 बढ़िया। तुमको पता है मेरे को स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप तभी वर्क करती है जब दो आदमी एक जैसे ही ना हो, किसी एक को अलग होना पड़ता है, और ये दोनों एक जैसे थे इसीलिए कटा गाइस इनका, बुरा वाला कटा। प्यार करते हो बट आप उसे कैसे भूलते हो? अरे पापा को बोलना पड़ेगा, बेटा नहीं बोल पाता। लक्ष्य मेरे को सच में लगता है बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है भाई सबकी ले लेता है। सबसे सैवेज मोमेंट तो मेरे को तब लगा था जब श्वेत आके बोलता है थैंक यू यार 4 दिन के लिए इसका ख्याल रखने के लिए, वो बोलता है 5 साल 4 दिन। ओ भाई ना, मुंह खोलो, अपनी जबान भर लाओ और अब बोलो येलो आई लव यू। सुन तुझे क्या लगा तेरे जाने के बाद मुझे गम हुआ? नहीं मेरी जान, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट गम हुआ। चल हट निकल मेरी जिंदगी से। लक्ष्य की रियल आवाज ही थी, एक तो पहले ही धीमे आवाज में बोलता है, उसके बाद उस बेचारे को फुसफुसाना भी। भाई ठीक है यार, सबने करी है वाली वक्त चौधरी टिकटॉक वाली, सबने। इसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पर्सनालिटीज बहुत सही है। बहुत हमारी लड़ाई हुई थी, आई वाज द ओनली वन हु स्कोल्डेड, मुझे बहुत जब वो हाँ डोम में लड़ाई हुई थी, आई वाज द ओनली वन जिसको डांटा गया। हाँ भाई मैं भी देखी थी, तनुज और सनी इसको शिवेत को देख के बोल रहे ऐसा वापस नहीं होना चाहिए। मेरे को बहुत हंसी आई थी तब। एग्जाइल को किसी को कुछ नहीं बोला गया, सबने देखा कि उधर से कितने लड़के हाथ चला रहे थे, इधर से मैं चला रहा था, फिर भी मेरे को डांट पड़ी और किसी को नहीं पड़ी। एग्जाइल को कुछ नहीं बोला गया, ओके एक्सेप्टेड, आई इनिशिएटेड द फाइट, आई वेंट फॉर इट। बट उसके बाद व्हेन यू नो आई एम पैनिकिंग, मेरे को आ रहा है इतना गुस्सा, तो देयर इज नो लॉजिक कि मेरे मुंह पे कैमरा लगा दिया जाए। आई फेल्ट लाइक कि दीस पीपल डजंट हैव अ हार्ट। बट ये अभी कंप्लेन क्यों
कर रहा है यार। मैंने एक और वीडियो देखा है वो हामिद का, शिवेद की हेल्प कर रहे थे वो लोग, और वो पार्ट एक्चुअली मान लो जैसे लीक हो गया है, वो लोग को ये बात बतानी नहीं थी, लोगों को सब एक दूसरे पे थोप रहे हैं कि हमारे तरफ बायस था, नहीं उसकी तरफ बायस था वगैरह वगैरह। आई थिंक इस बार बहुत सारे अच्छे कंटेस्टेंट्स थे और सबको किसी ना किसी वजह से पसंद किया जा रहा था। जैसे कि एंड टाइम्स में मेरे को शिवेद अच्छा लगने लगा यार, जबकि पहले मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो। एंड टाइम्स में मेरे को आकृति अच्छी लगने लगी, जबकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे को आकृति अच्छी लगेगी। डिकिला इज द क्यूटेस्ट भाई, मेरे को डिकिला अच्छी नहीं लग रही थी, वो इतना चिल्ला रही थी यार, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा था। बट अभी मेरे को पता चला उसका एक्सेंट की वजह से वो हमेशा ऐसे बात करती थी। और कभी कभी लोग ऐसा करते हैं यार, गुस्से में कुछ लोगों की आवाज ही ज्यादा ऊंची हो जाती है और फिर वो रोने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। डिकिला होने में स्थिति, बट आई लाइक हर सो मच नाउ। उन्नति के ड्रेस से खेल रही थी वो, ये दोनों की बहुत अच्छी बनती है ना, देख के पता चलता है। आई थिंक दिस विल बी हार्ड टू स्वेलो फॉर सम फैंस, लेकिन जो भी रीजनल क्रिएटर्स होते हैं ऐसा मैं मानती हूँ, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत कट्टर होती है। रीजनल लैंग्वेज में जो लोग वीडियोज बनाते हैं या फिर अपने आप को दिखाते हैं वीडियोज में, जैसे कि डिकिला है, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दिग्विजय डिकिला को यूज कर रहा है और अनिकेत को उनके ऑडियंस को पाने के लिए, क्योंकि दिग्विजय को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था जब उसके दोस्त लोग निकलते थे तो, यहाँ तक कि सचिन ने भी उसका कई बार स्टैंड लिया, मैं मानती हूँ दिग्विजय ने भी लिया है, बट जब सचिन निकल रहा था तो मैंने देखा उसको उतना भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट एक टाइम पे जब उन्नति और लक्ष्य दोनों खड़े थे तब दिग्विजय उन्नति को बचाने का ट्राई कर रहा था, और नायरा ऐसी थी कि नहीं लक्ष्य को बचाते हैं, दोस्त है हमारा वो, तब वो ऐसा बोल रहा था भाई ये दोस्तों का शो नहीं है, ये कनेक्शन वाला शो है, और वो ये लाइन पता नहीं कितने बार बोल चुके हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो अब मेरे को धीरे धीरे ऐसा फील हो रहा है कि दिग्विजय उतना भी अच्छा नहीं था जितना हम लोग सोच रहे थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के बारे में बार 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 अपने आप को अच्छी चीजें दिखने लगे इंटरनेट पे, तो हम लोग को लगता है वो इंसान सच में अच्छा है, विच इज कॉल्ड पेड पीआर। एंड आई थिंक कि दिग्विजय के केस में वही हुआ है, क्योंकि अगर दिग्विजय गेम के लिए जब मन तब दोस्तों को काले और उसको दिक्कत नहीं हो सकती है, तो आकृति ने भी तो सेम चीज ही करा था, अब हम उसको अप्रिशिएट क्यों ना करें, क्योंकि वो लड़की है। धूप में भी अनिका को ठंड लग रही है, मेरे को पहले से ही पता था ये हमेशा बीमारी का नाटक ही करती होगी लक्ष्य से मिलने के लिए, और लक्ष्य का जैकेट भी इतना छोटा है भाई। मेरे को पूरे शो में हमेशा ऐसा लगा है कि तीन जन हैं जो लोग मूव ऑन नहीं किए हैं और वो लोग फुल एक्टिंग किए हैं, हाँ भाई चलो 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 सब सही है। सबसे पहले तो आती है अनिका, हम लोग का 5 साल का रिलेशनशिप था, तो अभी तो टिकटॉक गए हुए ही शायद 4 कुछ साल हुए हैं, 5 साल का रिलेशनशिप मतलब उन लोगों का ब्रेकअप ज्यादा पहले नहीं हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगता था हमेशा कि अनिका मूव ऑन नहीं किया बट शो के लिए कूल बन रही है। फिर दूसरा था सचिन, मेरे को लगता था वो आकृति के पीछे अभी भी लट्टू है, बस ट्राई कर रहा है इधर उधर। फिर मेरे को लगता था दिग्विजय और इशिता, दिग्विजय भी ऐसा शो के लिए कनेक्शन बनाना है वगैरह वगैरह वाला एक्टिंग कर रहा था, बट मेरे को हमेशा लगता था कि दिग्विजय इशिता के लिए करता है फील, और जब भी इशिता के बारे में कुछ बात होती है तो दिग्विजय के चेहरे का रंग बिल्कुल अलग ही हो जाता है। और उन्नति को तो लोगों ने प्लेग्राउंड में देखा है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं, खैर लोग बदल भी सकते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं। Which Agriti is real, Rodi's one or Spatula? I felt none of them. सचिन इज द फनीएस्ट भाई, सचिन लेकिन जब तक शो में था इतना हंसी आता था, इतना एंटरटेनिंग होता था, मजा आता था भाई, मेरे को लगा नहीं था कि सचिन इतना अच्छा एंटरटेनर होगा। रोडीज में शी कुडंट अंडरस्टैंड द गेम, मतलब वो बहुत डरी हुई थी आई गेस, थोड़ा सा डरी हुई होगी मेरे ख्याल, हाँ क्योंकि वो दब के थोड़ा खेलती थी। रोडीज में जब उसने जाके मेरे को लगता है घर पे एपिसोड देखे होंगे ना और उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम मिलता हुआ, तो वो पक्का तंग होती होगी यार मैं देखी नहीं रही। डेफिनेटली भाई अगर एक एपिसोड हमारा बता रहे बाहर निकल जाता है बिना फुटेज से तो थोड़ा बुरा लगता है यार, अच्छे 8 घंटे धूम में खड़े होते पागल की तरह और मुश्किल से 1.5 मिनट के भी शॉट नहीं लगे तो बुरा लगता है भाई, क्योंकि वहां पूरा दिन शूट का प्रोसेस बहुत मेहनत वाला होता है और बहुत मुश्किल से वहां पहुंचे होते हैं, अब स्क्रीन में तुम दिखोगे नहीं 50 मिनट में तो क्या होगा। तो आई गेस वो बहुत वो चीजें स्मार्टली समझ के आई हुई थी स्प्लिट सेला में, और स्प्लिट सेला में उसने सारी अपनी भड़ास निकाली, उसने फुल स्क्रीन टाइम लिया लेकिन उस चक्कर में उसने थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी ऊपर नीचे कर दी। लेकिन मैं आकृति को जब
अपने रिसेंट कुछ इंटरव्यूज वगैरह में देखे, फिर जहाँ पे भी पैप्स वगैरह हो रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे उसने शो में करा। पता नहीं वो अभी भी एक्टिंग कर रही है क्या, बट भाई मेरे को बहुत ब्लंट लग रही है। जब कुछ लोगों के साथ बुरा हो जाता है तो कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं आकृति जैसे। रुशाली को मैंने पहले एक शो आता था टीवी पे ही, वो मैं और मम्मी देखते थे, उसमें रुशाली आई थी। उस टाइम पे वो बहुत ऐसे सहमी सहमी सी रहती थी, तब मैंने उसको स्प्लिट्सविला में देखा और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि वो ऐसी भी निकलेगी। भाई हर एक टास्क जीत रही है, हर्ष भी एक तो हारा है, लेकिन रुशाली जब भी अलग टीम में भी खेल रही हो भले, बट वो जीतती ही थी भाई। मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट रुशाली थी लड़कियों में। प्लस मैंने सबको मैनिपुलेट होता हुआ देखा शो में, लेकिन इसको रुशाली को किसी ने नहीं किया मैनिपुलेट। वो ऐसे सबका सुनती थी, करती वही थी जो उसके मन में होता था। आई थिंक रुशाली को भी उतना फेम नहीं मिल पाया जितना उसको मिलना चाहिए था हर्ष और शुभी वाले चीज के वजह से। अगर उसको सोलली एक पर्सनालिटी जैसा देखा जाए तो बहुत सही परफॉर्मर है, बहुत अच्छा कर रही थी वो। मेरा मोटिव था टू कम टू मूव ऑन तो हुआ नहीं। सबने मेरा पास्ट इतना ज्यादा ब्रिंग अप कर दिया कि मेरे को नहीं पता मेरे को कितना टाइम लगेगा कुछ भी करने में। मेरे को इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब होती है। मेरे को अच्छा लगता था कि मैं दिग्विजय के साथ रहूं, मैं दिग्विजय में टाइम स्पेंड करती थी, मेरा मन करता था टास्क परफॉर्म करना, मैं टास्क परफॉर्म करती थी और मैं क्या करूं। मेरे को भी ऐसा लगता है कि दोनों बस एक दूसरे के साथ टाइम पास ही कर रहे हैं क्योंकि व्यूज अच्छे आ रहे हैं। अभी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, बट लंबा नहीं चलने वाला ये। पता है क्या, अगर हम डेवन से एक कनेक्शन होते जैसे मेरा दिग्विजय का लास्ट में बना, अगर हम डेवन से होते तो ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी नहीं करती। ए चलना, डेवन से एडी के साथ थी ना तू, तूने पावर क्यों चूज किया? बहुत लोग बोलेंगे कि एडी ने भी गलत किया था उसके साथ, वो भी निकालने की बात कर रहा था। तो दिग्विजय भी तुम्हारा कुछ खास अच्छा चाहता नहीं अगर तुम उसके साथ नहीं होती तो। बट इस केस में आई हैड नो रीजन ऐसा कि नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो मेरा कनेक्शन तो था नहीं, वो था उन्नति का कनेक्शन। तो शो के बाद वो मेरे पास तो नहीं जाता, वो जाता सीधा उसके पास। भाई इसको और एक चीज से प्रॉब्लम थी कि एडी को क्रश था उन्नति पे, वो हमेशा उन्नति करते रहता था, तो वो ये भी सोच रहे थे बट उन्नति का कनेक्शन है मेरे को क्या जाता है। मेरे को और एक चीज लगती है, देखो ये कॉन्सेप्ट नया निकला था कि कोई एक होगा जो जीतेगा नहीं लेकिन पैसे ऑलमोस्ट ले जाएगा, तो इसीलिए कशिश ने हो सकता है वो चाहती हो कि मेरा नाम किसी और के नाम के साथ ना आए, मैं अकेली किसी चीज में दिखूं और कंट्रोवर्सी भी अच्छा क्रिएट हो जाएगा। अभी तुम किसी भी और स्पिरिट्स विलेन का नाम इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो वो ट्रेंडिंग में नहीं आएगा, दिग्विजय और कशिश आएंगे। ठीक है, मेरे को लगता है कि उसने जानबूझ के ये इसीलिए किया कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और भी बाकी काम मिलने उसको इजी हो सके, ताकि बाद में उसने सिंपथी वाला नाटक कर दिया है कि फैमिली ये वो। उसने पहले ही बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल रखे हैं कि मेरी फैमिली वेल एजुकेटेड है, फैमिली में सबका गवर्नमेंट जॉब है, मेरी पूरी फैमिली में एवरीबॉडी इज इन अ गवर्नमेंट जॉब। जो न्यू जनरेशन आई है वो तो एयरफोर्स में है या फिर इंजीनियर है, और मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, या फिर लोअर मिडिल क्लास लोग, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उनका एक सलीका होता है जिंदगी जीने का। ठीक है, चरस रंगिया मेरे को प्यारा, चरस रंगिया मेरे को प्यारा करता, और इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। कशिश इज वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी चेंज हो जाएगी वो। ऑनेस्टली मेरे को भी बहुत गंदा लगा था जब मैंने वो देखा था, लोग आके ऐसे हटा हटा के देख रहे, उसको मेकअप कर लेना चाहिए था वहां पे, भले वो लोगों को बता देती कि कुछ हुआ है या जो भी फुटेज के लिए, लेकिन ये दिखाना बर्बाद हो रहा है। डार्लिंग आई डोंट पे 1 लाख रेंट, वो मेरे मुंह से निकल गया, आई मेंट द अक्यूमुलेटिव रेंट खर्चा। अक्यूमुलेटेड नहीं भाई, ये सारा कुछ पहले से ही बना के बोलती है अच्छे से, और इसने शो में भी बोला था उस एपिसोड में भी कि मैं पूरी रात सोई नहीं, मैं सोचती रही कि कौन वो पैसे लेके जाएगा। मेरे को लगता है इसने पूरी रात वो फॉर्म ही करे हैं सेंटेंस कि ये मेरे को ऐसे बोलना है, और मेरे को नहीं लगता कि ये 1 लाख रेंट वाला इसने झूठ बोला है, क्योंकि मुंबई में पैसे लग जाते हैं घर में। ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि कशिश कोई भी टास्क नहीं जीती थी या फिर उसको परफॉर्म करने ही नहीं मिला था। ये भी एक रीजन हो सकता है कि इसको लगा कि भैंचोद खेल तो लेंगे लेकिन जीतेंगे तो नहीं ना, तो मैं लोगों का सोचने क्यों जाऊं, इससे अच्छा मैं पैसे लेके कट लेती हूँ। भाई शो में जब भी बात होगी ना आगे चल के भी 1-2 साल तक कि कौन ऐसा था जो पैसे लेके गायब हुआ था, तो सिर्फ कशिश का नाम आएगा। मेरे को लगता है उसने ये गेम खेला है, तो वैसे भी उसको गाली देने के लिए सही, लेकिन भाई इतनी बेवकूफ ऑडियंस है, उसको गाली देने के लिए उसका सारा पोस्ट सारा रील्स देखे जा रहे हैं, ऐसे उसका एंगेजमेंट अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसको यही चाहिए था, ऐसे वो ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम पे। लोग समझते नहीं है यार, जशवंत बेचारा इतना अच्छा खेलने के बाद भी 400K पे ही अटका हुआ है। उसको कहीं ना कहीं पता था कि टफ कॉम्पिटिशन है, ऐसा नहीं कि
हर्ष और शालिनी कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्पिटिटर नहीं है। हाँ भाई, सिर्फ 5 सेकंड के डिफरेंस से हर्ष हारा है, और अगर शो बायस्ड है तो मेरे को सच में ऐसा लगता है, मेरी गट फीलिंग है कि हर्ष ही जीता होगा। क्या मजे से परफॉर्म कर रहे थे यार वो, और मेरे को लगता है बस वो मटका स्टार्ट वाले में ही जो उन लोगों ने गलत पकड़ा वही गलती हुई होगी, बाकी सब उन लोगों ने बहुत फास्ट कर दिया, बहुत फास्ट। और बाकी कंटेस्टेंट्स भी यही बोल रहे थे कि उन लोगों ने बहुत फास्ट किया है। प्लीज गिव अस योर डिसीजन, हु यू वांट टू डंप? अनुके फाइनल ट्विस्ट, टू गर्ल्स बिकम द फर्स्ट टू फाइनलिस्ट। लाइक सीरियसली यार, बुक ऑफ फॉर्च्यून तो लिखी करिश्मा ने। हमसे पूछा जाता है कि आप किसको डंप करने वाले हो, क्वीन से पूछा जाता है 3 लड़कियों के नाम, किंग से पूछा जाता है लड़कियों के नाम, लड़कों के नाम दोनों से पूछा जाता है। तो हम नंबर 1 देते हैं, लेट्स से एक्स, नंबर 2 वाई, नंबर 3 जेड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक ऑफ फॉर्च्यून लिखते थे जितने भी लोग। सो ये शूट रुकना 1 घंटे का, बिकॉज आई चेंज माई डिसीजन, इनको सबोही को एंड तक पहुंचाना था, और मैंने नाम दिया था कि मैं सबोही को वोट करूंगी, निकालूंगी, और सेकंड में ये करूंगी। मैं डंपिंग ग्राउंड में गई, मेरे को समझ में नहीं आया, आपको ना कि इंट्यूशन बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग, मैंने बोला नहीं मैं इसको नहीं निकालूंगी। मैंने अनुकी को किया और मैंने सना को किया। जब मैंने अनुकी और सना को किया, उसके बाद बुक ऑफ फॉर्च्यून खुली और उसमें लिखा था जो दो क्वीन डंप हो चुकी है वो सीधा फिनाले पहुंच गई है, जिसमें सबोही को जाना था, रिमेम्बर? पर वो ऐसा वो भी है, उसमें 1 घंटे का शूट रोक दिया था कि फक अब क्या करें। ऑडियंस तो नहीं बोल रही, वहां के कंटेस्टेंट्स ही बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आकृति ने श्वेत और लक्ष्य के बीच में किया। खैर ऐसा हो सकता है गाइस, दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में ऐसा हो सकता है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ लेकिन तुम्हारे बंदे को नहीं, ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है उस वजह से निकाला हो। लेकिन ये भी रीजन हो सकता है कि लक्ष्य भी निकल सकता था, शो ने एक्सपेक्ट किया होगा कि लक्ष्य निकलेगा, मेरे को भी उस टाइम लग रहा था कि लक्ष्य निकलेगा अब तो, लेकिन लक्ष्य बच गया उस बारी और श्वेत को निकाल दिया। श्वेत को फिर वापस भी तो लाना पड़ेगा ना, एक ही वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई भाई, वो भी श्वेत की। एनीवे ऑल टोटल गाइज, मेरे को लगता है शो में और भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, जैसे कि अरबाज तो खैर रियल लाइफ प्लेयर निकला, आयरा भी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, हर्ष और रोशाली बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, मेरे को जेन्युइनली लग रहा था कि हर्ष और रोशाली ही जीतने वाले हैं। आकृति और जसवंत भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन आकृति किसी भी और के साथ अगर पेयर अप हुई होती तो वो बहुत पहले निकल गई होती और यहाँ तक तो नहीं आई होती। खैर कोई कुछ भी करे, किसी के साथ भी रहे नहीं रहे, क्या हमारा तो वीडियो बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं, इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो करो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।